Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to the Learning Quran. The Learning Quran is Hafiz Shahab Ali. The Urmua translation for sister has been you get to the 41 to start the learning. 40 ads in which again. Next 40 first ads in which again. So we start the reading. Bismillahir Rahmanir Rahim. Shuru Allah ke naam se. Shuru Allah ke naam se. Shuru Allah ke naam se. वस्कुर और बयान करो हाल फिल किताब इस किताब में वो हीमा इब्राहिम का इन्ना हो इस तरह के वो कान आप थे सदीकन नबी आप बहुत सच्चे इंसान और इस किताब में इब्राहिम का किस्सा बयान कीजिए बिला शुबा वो आस पास नबी थी। गुज़िश्ता आयात में हज़रत ईसा की हकीकत बयान फरमा के यहूदी नसारों को नसीहत की गई थी। अब हज़रत इब्राहिम के किस्सा से मुशरिकीन मक्का को नसीहत की जा रही है। वस्को और बयान करो हाल फिल किताब इस किताब में इब्राहिम सॉरी ये हो गई है नेक्स्ट नंबर 42 है। इस कौला जब कहा था उन्होंने अभी ही अपने बाप से या अबाती अब्बा जान रे माँ क्यों का अबू इबादत करते हो तुम मलाद यस्माऊ इन चीजों की जो न सुन सकती हैं वाला युग सिरू न देख सकती हैं वाला युग नहीं और न फायदा पहुंचा सकते हैं अन का शैया आपको जरा भी अच्छा। जबकि मैंने अपने बाप से कहा कि अबाजान आप ऐसी चीजों के बारे की इबादत क्यों करते हैं कि न सुन सकती हैं न देख सकती हैं ना ही तुम्हारे काम आ सकती है। हजरत इब्राहिम तो तुम अपना पेशवा मानते हो या मुशरिकीन के बारे में बात ले ली है कि हजरत इब्राहिम को भी वो मानते थे। हजरत इब्राहिम को तुम अपना पेशवा मानते हो जिन्होंने तौहीद की खातिर अपने वालदैन कौम घर बार और वतन सब कुछ कुर्बान कर दिया मगर तुम क्या कर रहे हो तौहीद का दम भरने वालों पर मक्का की सरजमीन तंग कर दी है। हजरत इब्राहिम का वालिद आदिल शाही बुत खाने का वापिस था जो बुतफरोश और बुत तराश था। अच्छा जी नेक्स्ट देखते हैं पहले हम वर्ड बाय वर्ड करेंगे देन हम एज अ होल लाइन तरीका वो ये या अबाती ए अब्बा जान इन्नी कद जाअनी बेशक मेरे पास आया है मेरा इल्मी ऐसा इल्म अलम याती का जो नहीं आया तुम्हारे पास तत्तावी नीसो पैरवी करो मेरी आती का बताऊंगा मैं तुम्हें सिरात सवैया सीधा रास्ता। जबकि उन्होंने अपने बाप से कहा अब्बा जान मेरे पास ऐसा इल्म है जो आपके पास नहीं आया मेरे पीछे चलिए मैं आपको सिरात मुस्तकीम बतलाऊंगा। या अबा जान ला ताबुदु शैताना बंदगी कीजिए शैतान के न शैताना बेशक शैतान कान अल रहमान या सिया रहमान का सख्त नाफरमान है। अबा जान शैतान की बात ना कीजिए वो तो अल्लाह ताला का नाफरमान है। या अबा जान मुझे डर लगता है अन्या मस्सा का कि कहीं याद है तुम पर अजाब नजाम इन रहमान रहमान की तरफ से पता क्यों ना और बन जाओ तुम इस शैतानी वाली या शैतान के साथ ही। अब अजान जो खतरा है कि अल्लाह ताला से आपको सजा मिलेगी और आप शैतान के साथ ही बन जाएंगे। कौला रागिबुन बाप ने कहा क्या फिर गए हो अंता अन आलिहाती तुम मेरे माबूदों से या इब्राहिम इब्राहिम लाइन लम तन ही अगर ना बाज आओगे तुम ला रज हूँ ला अर्जुमन न कहा मैं तुम्हें तो मैं तुम्हें संसार कर दूंगा वहजूनी वाली या और छोड़ दो तुम मुझे हमेशा के लिए। बाप ने कहा इब्राहिम क्या तुम मेरे माबूदों से बर्दश्ता है अगर तुम बाज ना आया तो मैं तुम्हें रिज्यूम कर दूंगा और हमेशा के लिए दूर चला जा। गौर कीजिए कि एक मोहित बेटा अपने वालिद को कितने दिलनशीन अंदाज में और अदाब और एहतराम के तकाज़े महलूज रखते हुए समझा रहा है जबकि मुशरिक बाप इंतहाई दशती से अपने बेटे को रिज्यूम करने की धमकी दे रहा है। हकीकत में इस्लाम में तमाम मकारम में इखलाक की बुनियाद है। मलिया इसका एक मायनी तो मलिया जो वर्ड यहाँ पे यूज किया वो क्या है हमेशा के लिए इसका एक मायने तो यही है कि हमेशा के लिए दूसरा मायने यह है कि सही जानी यहाँ से गायब हो जाए कहीं हाथ पाँव में करवा देना। और सलाम का इब्राहिम ने कहा सलाम हो तुम पर फिर का मैं जरूर बख्शिश की दुआ करूंगा तुम्हारे लिए वो भी अपने रब से इन्ना भी हफी या बेशक वो है मुझ पर बड़ा ही मेहरबान।
अजबैन ने कहा बाजान तुम पर सलाम हो, मैं अपने रब से आपकी बख्शिश की दुआ करूंगा, बेशक बिला शुबा मेरा रब मुझ पर मेहरबान है। अब अपने वालिद की धमकी के बाद घर से निकल पड़े। इस हालत में भी बाप की सलामती के लिए दुआ किया और बख्शिश मांगने का वादा किया और दुआ मांगते रहे ताकि जब उन्हें यकीन आ गया कि वो अल्लाह का दुश्मन है और तो ही पर आने वाला नहीं तो दुआ मांगनी बस कर दी। वाताजी रुकुम और छोड़ता हूँ मैं तुम्हें, वाता और उनको भी जिनको पुकारते हो अल्लाह के सिवा, और पुकारूंगा मैं अपने ही रब को। आसा मुझे उम्मीद है अला अकूना के नहीं रहूंगा मैं, बिदुआ रब्बी शक्तिया पुकार कर अपने रब को ना मुराद। अच्छा मैं आपको छोड़ता हूँ उन्होंने भी जिन्हें तुम लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हो, मैं तो अपने रब को ही पुकारूंगा और उम्मीद है कि इसे पुकार के कर मैं महरूम नहीं रहूंगा। फिर जब जुदा हो गए इब्राहिम उनसे, वमा और उन चीजों से भी जिनको या बुदूना वो पूछते थे, मिन दून अल्लाह अल्लाह के सिवा वहबना और ताकिया मेला हुआ इब्राहिम को इसहाक व यकूब, इसहाक और यकूब जैसी औलाद, वकुल्लन जअलना नबिया और हर एक को बनाया हमने नबी। अच्छा इसका बामा हवा तर्जुमा देखते हैं। फिर जब इब्राहिम ने छोड़ दिया उनको भी जिनको वो अल्लाह के सिवा इबादत करते थे, तो हमने उन्हें इसहाक अता किया और याकूब भी, उन सबको हमने नबी बनाया था। चुनाचे इन कुर्बानियों को अल्लाह ताला ने अच्छा सिला दिया और आपको इसहाक, हजरत इसहाक और हजरत इस्माइल दिए जो के सब नबी हुए। फिर अगर हजरत याकूब की नस्ल से अंबिया का सिलसिला चला, इसने अल्लाह ताला ने कौम और घर पर छुटने के काम को दूर करने का इंतजाम फरमा दिया। वो हबना और नमाजा हमने लहुम उन्हें मेरी रहमत इन अपनी रहमत से, वजअलना और किया हमने लहुम लिसाना सिदकिन अलिया इनका जिक्र जमील बुलंद। अच्छा फिर जब इब्राहिम ने हमने उन सबको अपनी रहमत से नवाजा था और उनके खैर से सर बुलंद किया, इनके तमाम मजाहब वाले उन्हें अपना पेशवा मानते हैं, मुसलमान हर सलात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर भी दुरूद भेजते हैं, तो ये अल्लाह ताला ने उनको उनकी कुर्बानियों का सिला दिया था। ठीक है यहाँ पे हमारी आयत नंबर 50 खत्म हो गई है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। बहुत सफा रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।